बेगम साहबा का नंबर जगह जी लग चुका है। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है सर बहन भाइयों के? अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और साड़ी चल रही शादी की तैयारियां, और मैं बच्चों को कपड़े केड़े पाना लगी हाँ ये भी तुम विखा देव। मेरे दोस्त आप दी कि करके बैठी ने ईमान फातिमा और लैबा नू मैं नहला दिता है, और अब्दुल रहमान अजे हूँ कपड़े चेंज करने ने। अब्दुल रहमान उठ के कपड़े चेंज कर ला, और रहमान के कपड़े तुम पहले ही विखाया सी, और मैं प्रेस करके अब्दुल रहमान दी कपड़े रखे ने। और दोपहर नू जे नहलाया सी बच्चा नू, और जेड़ा ना हूँ आई है साडे मेकअप करन वाली जेड़ी असा बुलाया पहले उन्होंने असं घर ही गए सी तुम भी खाया, और हूँ साढ़े समझ घर ही है साडा होटल जितने तक असं रहे साडा घर ही है। और अब्दुल रहमान नहान जा रहा है, और ये दोनों जो है ना मुस्कुरा रही है। ईमान फातिमा उधर ही है ना, ईमान फातिमा उधर मेकअप के पास बैठी हुई है, मेकअप करा रही हैं और देख भी रही हैं। अभी बच्चों का तो मेकअप नहीं होगा, उसके बाद होगा, और हमारा मेकअप जो है ना अभी से जारी। राबिया बाजी करा रही है मेकअप, और मैं अभी कपड़े चेंज करने हैं बच्चों को जो है ना रह गए उनको करा रहे, क्योंकि अब्दुल रहमान ने भी नहीं चेंज किए, और अब्दुल वहाब ने कपड़े चेंज कर लिए हैं माशाल्लाह। अब्दुल वहाब के कपड़े ने मैंने चेंज करा दिए, वो सो गए थे, नहलाया था उसको, और हम जो इनके घर जा रहे हैं। आपने कपड़े नहीं चेंज किए? करेंगे। कब? अभी। मेकअप कराना है आपने? आज लोग मैं बना रही हूँ, क्योंकि नवाज की तो कुछ तबीयत नहीं ठीक, इसलिए भी लोग मैं बना रही हूँ। और वहाँ भाई अहमद के पास वो बैठे हुए हैं, और वो फैमिली भी आई हुई जिनके हम कल घर गए थे, और मेकअप वही कर रही है हमें। और हमने दोपहर को खाई थी बिरयानी, और कुछ बची पड़ी हुई है। लैबा के काम चेक, और लैबा मेरी तरफ देखो, अपने अभी से शुरू कर दिया मेकअप? मना किया था ना अभी मेकअप नहीं किया, अभी तो कपड़े चेंज किए ना, अभी उतार दो इसको, आपको अच्छे से मेकअप करवाऊंगी, ठीक है ना? और अक्सा आप भी छोड़ दो ना, आपको अच्छे से मेकअप करवाएंगे वहां से पार्लर से, ठीक है ना? हमारे घर में जो है पार्लर। मैंने कुछ कपड़े निकाले थे, राबिया बाजी ने कहा ये कपड़े ब्लैक वो आप ना पहनो, क्योंकि शादी का है, तुम शादी के स्टाइल से पहनो कपड़े। और मैंने जो लाल कपड़े हैं ना इस्त्री वो करके रख दिए हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये लॉन के हमने तो यहाँ घर में गर्मी सर्दियों के सिलाए थे ना कपड़े, और अब चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, और रात को तो हम पंखे चला के सोते हैं। और ये मैं एक जो है ना ड्रेस लेके आई थी लॉन की, इसमें माशाल्लाह ये दुपट्टा ही बहुत अच्छा बना, मेरी तो दिल थी ये कपड़े पहनने की, और अभी अबाजी ने कहा नहीं लाल पहनो, और जवाद साहब भी आ गए माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हो जी। मम्मा तैयार हो गई आपकी? जी हो रही है अभी। क्योंकि ज्यादा टाइम तो तुसी लाना है। हां वो तो साफ कह रहे हैं, बाजी राबिया तैयार हो गई है ना? हां हो रही है, जाके दिखाओ। ठीक है मैं जा। खाओ भाई जान, की हो गया तुम्हें? खाओ तुसी भी साडा व्लॉग बनांदे हो ना? मैंने पता नहीं बुरकी पावांगा अंगे करके ले जावेगा। चलो खाओ बिस्मिल्लाह। नहीं तुम्हें हो टाइम मिलया रोटी दा? भाई अमन पता नहीं की है, सर में दर्द आ ना ता करके खाना उस टाइम खा नहीं सकया, एदी बिरयानी भी ठंडी। अच्छा मैं समझ रहा था, मैं तन्नू सारी गल दसण लगे, पता की यकदम ना बंदे ना झटका लगता है। अच्छा मेरा ना सब तो बड़ी गल है कि मैं एक बार परेशान हो जावा ना, अल्लाह पाक परेशान ना करे जी, टेंशन ले जावा ना, तो मेरा ना फिर ना मूड बड़ा खराब। सेम सिचुएशन है जी, यकीन करें कि सिर दे विच जदों दर्द कोई भी हल्की जी गल है ना, आज तो मैं तेरे चैनल ते गल्ला कर रहा हूं, तो उर्दू ना बोलना ना बोला ना फिर, है ना? बोल ना भाई, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं, ऐसी कोई उर्दू बोलने को पंजाबी ठोक देने हैं। ले अच्छा जी नवाज भाई, वो असल में ना ये बच्चा दिखाया ना हमारे व्लॉग में आपने देखा है, तो यहाँ पर भी ना दिखाऊँ आपको,
बस हल्का फुल्का लगा, ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस खून थोड़ा सा निकला ना। मुझे बच्चों ने बताया, मैं फौरी तौर डॉक्टर के पास। असल जना मसला इस गल दा है कि अहमद भाई ते असी दोनों गए असी टिकटां बुक करान वापसी दियां, ते असी यकदम हाले होटल ते पहुंचे ही ना, ते अगो होटल वाले आखिया थोड़े बच्चे ने चोट लगी हॉस्पिटल लै गए ने, ते बंदे दा एक वारी ना झटका मुंह नूं आ जांदा है, अच्छा खासा असी दोवें फिर बज्जे पिछे। मेरा सब तो वड्डा मसला है कि मेरा ना ब्लड वध जांदा, तैनूं पता है मैं डिप्रेशन मसला ना यकदम है, उस टाइम दा ना सर नूं इतना दर्द है ना कि मेरा दिमाग फट जा रही है। तो फिर व्लॉग जो जैसे मैंने भी अपने व्लॉग हमारे व्लॉग में भी आप तुसी सारे ने देखो पंजाबी से गल करा ना, तुसी सारे ने देखा होगा कि असी व्लॉग जो मैं कह रहा किसी लेट शुरू किया है, तो समझ लो कि इन्हों का व्लॉग भी असी काफ़ी लेट शुरू किया है, वह भी नवाज भाई कह रहे थे यार मेरे सिर में बहुत तकलीफ है, तो बाबी की हिम्मत है भाई माशाला जी, बाबी कैमरा लैके उन्हें कहा कि भी ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵਾਇਦ ਵੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬੀ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰੀ ਬਹਿਨੇ ਵੀ ਦੇਖਤੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, मिसाल के तौर पे माशाल्लाह बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने संभालना करना, फिर बच्चे आपको पता है कि बच्चे तो फिर ऐसे हैं स्त्री भाभी के, उधर हमारे रूम में स्त्री करने के लिए गई है, तो फिर होया कुछ इस तरह कि इतने वो बच्चा खेड़दा सी तो बच्चे हैं आखिर अल्लाह पाक जी काफी परेशान हुए। हम लोग तो जब आए ना गेट पे तो इतनी परेशानी हुई हमें, जब उन्होंने बताया हम लोग फौरन से पहले से पीछे की तरफ भागे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब हम लोग अभी आधे रास्ते में भी नहीं थे और आगे जो है ना सिस्टर और राबिया जो है ना ये आ रहे थे वापस, इसको मैं नीचे भी नहीं छोड़, ये इसको अभी समझ नहीं है, बच्चा है ना जो चीज उठाता ना मिट्टी हो वैसे कचरा पड़ा वो मुंह में डाल लेता, इसको नीचे भी नहीं बैठा सकती। अब अभी जो है ना इसको मैंने बच्चों को दे के गई थी, मैंने कहा मैंने कपड़े इस्त्री कर लू शादी के लिए डेने, फिर मेकअप वाली भी आने वाली थी, मैंने कहा इंतजार कर दिए उधर भी काफी सारा लग जाना, बच्चे नहलाएंगे तो आके कपड़े जो है ना फ्रेश हो पड़े होंगे, बच्चे पहन के चले जाएंगे। अच्छा आप आपने एक चीज पे गौर किया है, आपने एक चीज पे गौर किया है आपने, नहीं नहीं नवाज भाई भाभी की उर्दू बहुत अच्छी है भाई जान, ऐ तुसी मन्नो, ऐ तुसी मन्नो जिनी रवानी नालो बोल दे पहने जी, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि भाभी की उर्दू कैसा बोल रही थी, जबरदस्त किस्म का ना रट्टा नहीं है, है क्या ना भाई, हम गांव में रहते हैं वहाँ पे उर्दू बोलने ना तो वो अच्छा नहीं समझते, कहते हैं लो कौन सी शहर ने ना आ गई वो ये, बस हम ना हिसाब से बोलते हैं, जहाँ जहाँ हम रहते हैं ना वही किसी की जबान बोलते हैं। इन्हें सीखी है जिते असि साहिवाल नहीं रहे शहर ते ओ फिर मांडी गवांडी सारे मसल आ जांदे सी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बोल, शाम नूं आके घंटा दो बैंदे सी चले जी। आज जो है ना अद्दी का भी अलग लुक देखने को जो मिलेगा, शाजिया भाभी जो है वो भी आज समझ लेंगे पाला से क्या हां जी सही दास हां यही तो छोटी छोटी खुशियां होती है, कौन से ये दिन रोज रोज आते हैं नवाज भाई है? चलो तुसी खा लो अपने तैयार होने कोई टाइम ही नहीं लगना ना अपन ने फटाफट ये तैयार है नी हम बस चलो तुसी उधर चलो तुहाडा ही टाइम लगना बाबी अब्दुर्रहमान ने कपड़े चेंज कर लिया और नवाज आप ही बता दो कौन से कपड़े पहने में तक प्रेस पहनने हैं रातें खाटे ऐसे देख ना भाई ए मेरा मजाक बनाने लग जाता है ओ खुदा ना नहीं यार अभी देखो मेरी मजाक उड़ा रहा है ओ खुदा इसको समझा ना पता ना फिर लोग क्यों लिखते ने नवाज ने लोग की लिखते ने फिर मैं भी मजाक उड़ाई खड़ा है नीचे मार नहीं दे रहे नवाज भाई ये तो बच्चा ही है शैतान बच्चा है आप तो हंसी मजाक में कह देते हो लोग फिर ऊपर वीडियो बना के कह रहे होते हैं नवाज ने अपने भी बच्चों को जलील कर दिया हमारी तो मजाक होती है बस उसको किस एंगल में लेते हैं उनका अपना जहन है समझ लो कि ना असी ते इतना हंसी मजाक करते भी नहीं
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਯੂਟਿਊਬਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਬੇਗਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਮਸਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਬੇਗਮਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ पूछ लूंगी अरिमान फातिमा ने ये कपड़े पहने दरअसल हमने फ्रॉक नहीं ली इसलिए क्योंकि बच्चों के हमने सर्दियों वाले कपड़े लिए थे वहाँ और यहाँ पे माशाल्लाह गर्मी है यहाँ पे कोई सर्दी नहीं हमने रात को पंखे चला के सोते हैं और लैबा फिर मुंह आपने खराब कर दिया ना अपना सारी स्किन खराब कर दी है इमान फातिमा वो बर्तन उठा के इधर रख दो और मैं पता करती हूँ चल के मेकअप कितना हुआ है क्योंकि उनकी बच्चियों ने भी मेकअप करना था और रबिया बाजी और हादी ने भी अभी चल के देखते हैं कितना मेकअप हुआ है। अस्सलामु अलैकुम जी वेलकम बैक की आने सर बन भैया दे दवाई लईए हुण रात नूं लैके आंदी बड़ी मुश्किल नाल जिहड़ी ना मिली आ और काफ़ी ज़्यादा अज ना मैं अपसैट और परेशान हो गया सी लेकिन अलहमदुल्ला जी अब्दुल हादी की मसल ना तबीयत ठीक है बच गया लेकिन ना अज मेरा ब्लॉग का कोई मूड नहीं क्योंकि मैं मसलन डिस्टर्ब इन्ना सारा हो गया सी ना कि दिल नहीं कर रहा कैमरा वगैरह जिहड़ा है ना चक्का क्योंकि अचानक वाकया ही इस तरह का होया और भाई साहब रिकॉर्ड करते ब्लॉग जिस तरह बनाई था उस तरह और अद्धी भी तैयार हो गई आ राबिया सिस्टर भी बिल्कुल रेडी हो गई आ और हुण मैं बच्चों नूं उधर भेजिया और मैं तैनूं उधर भेजिया तू फिर इत्थे आ गया मैं तां कह बुला के लिया चाची नूं अपनी चाची नूं मैं कह ये जरा कहे के माशाल्लाह जी माशाल्लाह नहीं सही कीता इसे करके तो मैं अगे अहमद भाई के ब्लॉग च कह रहा सी मैं क्या हुण बेगम नूं मैनूं मेकअप कराना पैणा सच असीं पता की करने आ जिस तरह से असी उधर जा रहे हैं ना उधर दिल देश ना होए कि मैं उस तरह तैयार स्पेशल तैयार कराया हूँ सही किया सही किया उधर भी दिल है बेगम साहब जेड़े में बज्जी फिर दे चलो जी चलो कपड़े लिया चेंज कर दिया बेगम साहब का नंबर जेड़ा है ना जी लग चुके है और बेगम साहब के बुरे हाल होए पेने एवं कोई थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी कोई दाढ़ी वगैरह सैट करवानी थी लेकिन ना टेंशन दे वजह जड़ा ना याद ही नहीं रही भाई साहब होरां ते रेजर वगैरह रखे से लेकिन मेरे को रेजर ना काम नहीं होना हाँ सारे काम इन्हें इन्हें जड़ा ना छाल मारीए थले इधर वेखो ना आई काफ़ी ज़्यादा जी ना चोट लगी है आधा तीन दी आधा तीन दी हाले तक तो बेगम बड़ी अजीब जी लगती पई है और बाकी सारिया छोड़ो टेंशन परेशानी दे बच्चे दी टेंशन परेशानी दे हालांकि ना असी असल ते सुबह सुबह ही निकल गए तकरीबन 8 बजे से निकल गए सी टिकटा वगैरह कराने वास्ते और रस्ते में कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी सी और वापसी सी 1 बजे आया फिर अगू इन्हें होटल वाले कहा कि तुहाडे बच्चे नूं होस्पिटल लैके चले गए तो यकीन कर जाओ ना कि बंदा ना होश ही जरा कहना बंदे का जिमें हिल जाता है तो उस तो बाद होश ही गई ने तुहानूं दिखाई सी बेगम साहब रात जी मेहंदी वगैरह जरा बुशरा सिस्टर और लाई सी हाँ जी माशाल्लाह हाँ देखो जी अभी मेहंदी वगैरह तो मैं दिखाई ही कोई नहीं माशाल्लाह बहुत मेकअप अच्छा करती है हाँ बेगम साहब जेड़ा है ना बोलन लग गई है उर्दू और मेहंदी भी फर्स्ट टाइम ही लाई है मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम लगा अब्दुल वहाब इधर कल्ला सुत्ता हुआ सी तो उठया है ते हाले हुण हुण उठया है रो रहा सी अंदर बह के आ हुण गया हाले अब्दुल वहाब उधर चल चला जा उधर बेगम साहब का मेकअप हो रहा उन्नी देर तक मैं बाहर कोई नाई वगैरह देखना अगर मिल गया तो दाढ़ी वगैरह सैट जी ना करवा के अगर ना मिले तो फिर इवें ही चलेंगे इंशाल्लाह वाज भाई चले गए हैं जी नाई के पास क्योंकि मैंने जो है ना मैंने तो सुबह ही अपनी शेव वेव जो है ना खुद ही जिलेट लेके आया था और इधर ही जो है ना मैंने बना ली थी तो नवाज़ भाई गए हैं जी बाहर खुद अब पार्लर में तैयार होने के लिए जिम्मेदारी मुझे दे के गए कि आगे आपने व्लॉग को जो है ना वो कंटिन्यू करना है तो आज के व्लॉग में नवाज़ भाई के में ज़्यादातर मैं और भाभी नज़र आ रहे हैं नवाज़ भाई तो आज हैं ही ऑफ माशाल्लाह जी भाभी तैयार हो रही हैं मुझे
हादिया तैयार हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे, बड़ी अच्छी लग रही है। अभी तैयार हो रही है और इमान लैबा भी तैयार हो रही है। इमान फातिमा भी रह गई है, इमान फातिमा भी अभी तैयार होने है। फाइनली जी मैं भी थोड़ा बहुत रेडी होकर आ गया, क्योंकि साड़ी तो तैयारी होनी कोई नहीं। तकरीबन असं क्या कि 7 बजे तोड़ होवे, 7-8 बल्कि 9 बज जावन तो कोई पता नहीं सानू, क्योंकि मेकअप वगैरह तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती मेकअप कर, क्योंकि सिस्टर कर रही थी ना तो मैं देख रहा सी इंज करके निगे टका के इंज ना पेंसिल ना जिम्मे ना ड्रैंग बनानी पैंती है। और माशाल्लाह बेगम नकली है गया। सही लगा, इतनी बढ़िया बेगम दी पलका आ गई ने। और माशाल्लाह जी आगे मैं देख रहा सी जबरदस्त हो गया, अच्छा लग रहा है। बस ना पूरा सूरज जी असि मेकअप वगैरह करवाया है। आने तो पहले ना भाभी कहती बैठी थी इतने के भैया मैं मेकअप करा ते रही हूं, पता नहीं आवेगा और मुंह पता की लगेगा की बन गई है नहीं। इना इना के सारा मेकअप वगैरह तो पहले भी एक बार कराया सी। ओ कहती है कि मैं जब तो मेरी शादी हुई सी उस टाइम मैं तैयार हुई सी तो मैं आके मैं मेकअप कराया सी। इना पहले लेकिन थोड़ा बहुत लाया सी ओ लाहौर जे तो गया सी शादी, लेकिन थोड़ा बहुत उदो करवाया। तो मैं कराया सी, मैं कराया सी। तुसी करवाया सी? कीता सी? हां मैं कराया सी। ओदो ही ओदो कीता सी मेकअप या हुन कीता है? असली अपनी पार्टी ते भी मेकअप मेरे घर कोई नहीं कीता, मेकअप बाद ही पार्लर रहंदा हा तो पार्लर जेड़ा ना खत्म कर छड़या ते हुन जेड़ा ना उत्ते जेड़ा गन रत्ते खट्टे ला के कलर आपा वैसे अखा थल्ले कर ना अखा नूट ना नवाज नवाज ए मेकअप केड़ा कीता सिस्टर मेकअप बेगम साहबा राबिया सिस्टर तो फिर ना कदे ना कदे सची अद्धी अगे मेरे ख्याल तू अपने मोबाइल ते दिखाई है। मैं कौन दिखाई है? मैं कौन दिखाई है? अद्धी माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही। क्या बात है जी, क्या बात है, नजर लगे माशाल्लाह। और बाकी ब्लॉग खत्म कर दिता सी, दोबारा फिर हाजिर हो गया। हुण मैं भी कपड़े वगैरह हाले चेंज वगैरह करने ने और सानू काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। तुहानू मैं दिखावां टाइम की हो गया है, 7:27 हो गए ने।